दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए रजा इंटीरियर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पेवर ब्लॉक होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, इनके एडवर्टेज क्या हैं और इसका प्राइस क्या है, यानी किस प्राइस पॉइंट पर आपकी जो ब्लॉक हैं वो लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लगवाना चाहते हैं इस तरीके के पेवर ब्लॉक तो आप हमें कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है और पूरा इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, एडवांटेज इसके बताने वाला हूँ, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वीडियो में लास्ट तक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर दोस्तों इसका लेवल है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हैं नीचे बदरपुर डाल करके इसका जो है वो पूरा लेवल किया जा रहा है जिस पर हमें जो है वो पेवर ब्लॉक जो है वो लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा एक साथ करके इसको पेवर ब्लॉक को लगाया जा रहा है। तो अभी मैं इसके एडवांटेज के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसके जो एडवांटेज है उसके बारे में आप जो है वो जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात कि इनको जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करना बहुत ही आसान है, एक दूसरे के साथ बहुत ही आसानी से जो है वो इंटरलॉक हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों जो पेवर ब्लॉक है इसको किसी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कोई भी आपका इसमें जो है वो मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी केवल जैसे अगर आपका प्लेन प्लास्टर हो रखा है तो उस पर जो है वो आप इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, वरना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को इसको लेबर में लाने के लिए आप बदरपुट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों तीसरी चीज़ ये आती है कि इसको जो है बिल्कुल पानी से, अगर जैसे मान लीजिए कोई गंदगी वगैरह जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो इसको पानी से साफ़ करके आप बिल्कुल क्लीन जो है वो कर सकते हैं। अब चौथी चीज़ इसमें जो आ जाती है दोस्तों वो आ जाती है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसकी लाइफ कितनी होती है। तो दोस्तों अगर इनको जो है वो अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया जाए, अच्छे तरीके से इंटरलॉक किया जाए तो 15 से 20 साल तक ये कहीं नहीं जाते हैं, 15 से 20 साल तक इनकी जो है लाइफ है वो बहुत ही आसानी से चल जाती है, 15 से 20 साल आपके बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। पांचवी चीज़ आती है दोस्तों इसमें कि अगर जैसे ज़्यादा लोड अगर आप इस पर डालेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि फर्श वगैरह पे वो थोड़ी दबने की या टूटने की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब छठी चीज़ आती है दोस्तों इसके कलर की, तो कलर वेरिएंट आपको इसमें 3 से 4 कलर जो है वो मिल जाते हैं, एक ग्रे कलर में, दूसरा येलो कलर में, तीसरा आपको जो है वो आपके आ जाते हैं दोस्तों रेड कलर में। तो कुछ इस तरीके के कलर आपको इसके आ जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और फर्श पे जो, या अगर घर का कोई छोटा मोटा रोड है तो उस पर जो है वो जैसे रेड कलर में और ग्रे कलर के शेड देंगे तो वो काफ़ी अच्छा जो है वो लगेगा। अब एक और चीज़ इसमें आ जाती है दोस्तों कि ये बिल्कुल स्लिप रजिस्ट होते हैं, मतलब कहने का ये कि फिसलने वाली प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, आप वॉकिंग के लिए या थोड़ा बहुत अगर आप दौड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है, फिसलने की टेंशन आपकी बिल्कुल ख़त्म जो है हो जाती है। अब एक और चीज़ इसमें आ जाती है दोस्तों, जो इनका लगाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है और इसमें किसी भी टूल की, किसी भी इक्विपमेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे ख़ास बात दोस्तों इसकी ये है कि अगर कोई भी आपका एक भी इसमें से पीस जो है वो टूट जाता है तो उसको बहुत ही आसानी से जो है वो रिमूव करके और बहुत ही आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी जो है वो हो जाती हैं फ़र्श के मुकाबले, मतलब जैसे कि फ़र्श होता है तो उसको आप रिपेयर करने के लिए या तो फ़र्श का कुछ हिस्सा आपको तोड़ना पड़ेगा तब जाके वो पूरा मेंटेनेंस में आएगा। बाकी यहाँ पर इसको अगर आप कोई भी इसका पार्ट जो है वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको एक ही पीस को निकाल करके बहुत ही आसानी से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके प्राइस के बारे में, अगर आप विद मटेरियल इसको कराना चाहते हैं तो 80 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका जो वर्क होगा, और अगर आप विदाउट मटेरियल कराते हैं यानी मटेरियल आपका होगा और लेबर रेट पर आप कराना चाहते हैं तो 16 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका जो है वो चार्ज किया जाएगा। उसमें आपका जैसे मान लो लेबल करना होगा,
तो 4 से 5 इंच का लेबल भी आप करा, मतलब आपका उसमें हो जाएगा, तो वो 16 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका चार्ज जो है वो लगेगा। और विद मटेरियल मैंने आपको बता दिया है 80 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका रेट जो है वो लगेगा। तो अगर आप इनको इंस्टॉल कराना चाहते हैं विद मटेरियल या विदाउट मटेरियल, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर जो है वो दे दिया है। ठीक है दोस्तों, बाकी पूरा प्रोसेस इसका इंस्टॉलेशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ किस किस तरीके से किस डिज़ाइन में जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो का टाइम लैप्स करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप जो है वो नई नई वीडियोज हमारे चैनल पर जो है वो देखते रहें। My dad's making it hurt.